बहुत सारे भाई शेयर मार्केट में एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं सीधा। जैसे कि लगे आपको कि मार्केट ऊपर जा सकती है, कॉल बाय कर लिया। जब आपको लगता है मार्केट नीचे आ सकती है, पुट बाय कर लेते हैं। इसकी बजाय ऑप्शन हेजिंग करो, जो स्टार्टिंग में मार्केट में आ रहा ना। अभी आपको एक एग्जाम्पल देता, आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगी, निफ्टी की बात करता, निफ्टी नीचे आएगी, आप क्या करते हो, पुट बाय करते हो। उसको पुट बाय करने की बजाय निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर दो और इन द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लो। उसमें होगा क्या, आपका हार्डली लॉस हो सकता है ना, तो 300 से 400 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। समझ में आया? चलो इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ब्रीफली आपको स्क्रीन पे बताते हैं। राधे सारे भैया ने, और कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारे भाई क्या गलती करते हैं, मान लो मैं निफ्टी का है मेरे पास, मेरे को लगता है निफ्टी यहाँ से नीचे आएगी, 25,000 पे चल रही है, मेरे को लगता है 25,000 से निफ्टी नीचे आ जाएगी। क्या करते हो आप लोग नॉर्मली, 25,000 का पुट या 26,000 का पुट या 25,000 50 का पुट, 25,000 100 का पुट, कोई भी एक पुट खरीदते हो आप, यही खरीदते हो। आपको लगता है मार्केट नीचे आएगी, आप पुट बाय करते हो। बट मार्केट करे क्या, ऐसे नीचे चल रही थी, आपने क्या किया, कोई भी पुट बाय कर लिया, 300 रुपए का कोई भी एक पुट था, आपने बाय कर लिया। बाय करते ही ये ऊपर चलने लगी निफ्टी। अब ये ऊपर जाएगी तो पुट नीचे आएगा, तो इसका प्राइस हो गया भाई 280, 260, 220, 200 तक आ लिया। अब क्या करोगे आप, अरे यार ये नीचे जाता ही जा रहा है तो क्यों ना लॉस बुक कर लूं, निफ्टी क्योंकि ऊपर चलने लगी। आप यहाँ पे क्या करते हो, अपना लॉस बुक हो गया, चलो भाई लॉस हो गया, मार्केट से तो पैसा बनाना मुश्किल है, तो ऐसा गलती मत करो ना। मैं बताऊंगा टेक्निक कि आपको, और फिर क्या करें मार्केट, ये जैसे आपने लॉस बुक किया, लॉस बुक करते ही मार्केट फिर से नीचे आने लग गई निफ्टी, ये 200 से फिर से गया 220, 260, 280, मार्केट और नीचे आ गई, ये चला गया 360, आपने 300 पे बाय किया था, 360 तक जा चुका है, 200 पे आपने अपना स्टॉप लॉस ले लिया, जो सोचा था वही मार्केट ने किया, लॉस भी ले लिया वरना प्रॉफिट में बैठे होते। तो इसका समाधान क्या कि स्टॉप लॉस लगाने का जरूरत ही ना पड़े। कुछ लॉस है वो लॉस फाइनल हो जाएगा कि कितना लॉस होना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा, अपना गूगल जाना, ठीक है ना, गूगल में ऑप्स्ट्रा फिलअप कर लेना। चलो स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ, मैं गूगल में गया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑप्स्ट्रा सर्च करते हैं, ऑप्स्ट्रा हेजिंग, इस पे क्लिक किया, पहला जो लिंक क्लिक आएगा उस पे हम लोग फिर क्लिक कर लेंगे। अब ये वेबसाइट खुल गई, इस वेबसाइट से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई मैं कौन सा कॉल उठाऊं, कौन सा पुट उठाऊं, कैसे करूं अपना हेजिंग, कि मेरे को लॉस भी पहले पता चल जाए कि मेरे को इतना ही लॉस हो सकता है और कहां से मेरे को प्रॉफिट स्टार्ट होएगा। वो सारी बातें है ना, आराम से वीडियो में रहना, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है भाई। एक बार ये ओपन हो जाती है, देखो निफ्टी का खुल के आया अपने पास, बिल्डर में जाएंगे, बफरिंग हो रहा है क्या, बिल्डर पे क्लिक करोगे आपके पास ये चार्ट निकल के आ जाएगा। अगर किसी ने लॉगिन नहीं कर रखा हो तो साइन अप कर लेना, गूगल के साथ साइन अप हो जाएगा, जो भी आपका गूगल में आईडी है उसके साथ। अब करना क्या है, मैं क्या करूंगा, मेरे को लगता है मार्केट नीचे आएगी, सिंपल सी बात है, या तो पुट बाय कर लूं या फिर हेजिंग बना, तो वो हेजिंग करते। जब भी लगे कि नीचे आएगी, नीचे आएगी मतलब फ्यूचर को सेल, ठीक है, सेल करने के बाद एड पोजिशन। और आपको अपने ब्रोकर में कैसे करना है, वॉच लिस्ट में जाना, वहां पे फिलअप करना NIFTYFUT, निकल के आएंगे तीन एक्सपायरी के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसे ये अक्टूबर चल रहा है तो मैं अक्टूबर वाले को सिलेक्ट कर लूंगा और उसको सेल कर दूंगा, बाय और सेल दो ऑप्शन आते हैं तो उसको सेल कर देंगे। अब हो गया भाई 31 अक्टूबर का, मैंने ये फ्यूचर को सेल कर दिया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, मैंने यहां पे इसको सेल कर दिया। अब अगर मार्केट ऊपर गई तो, जैसे कि 25,193, 25,731, ये कितनी भी ऊपर गई तो मेरा लॉस बढ़ रहा है। कितना लॉस हो सकता है, 20,000 का भी, 40,000 का भी, 60,000 का भी, 80,000 का भी, और जितनी ऊपर जाती जाएगी उतना लॉस होता रहेगा, तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। हाँ अगर मार्केट सच में नीचे चली, मैंने फ्यूचर को सेल कर रखा, सच में नीचे चली तो अपने को प्रॉफिट देखो 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, इतना प्रॉफिट भी हो सकता है। बट ये तो हो गया 50-50%, ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट, नीचे आएगी तो लॉस, और वो लॉस भी अनलिमिटेड, क्योंकि कितनी भी ऊपर जा सकती है तो ये अनलिमिटेड, प्रॉफिट भी चलो अनलिमिटेड है, जितनी नीचे गिरती जाएगी उतना प्रॉफिट होता रहेगा, सिंपल है। अब इसको कैसे ओवरकम करूं, ये जो मेरा लॉस दिख रहा ना, लॉस ना हो मेरे को, मार्केट नीचे गिरे तो सही है, ठीक है, अगर ऊपर जाती है तो इतना लॉस ना बढ़े यार मेरा, ये चीज करनी है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक इन द मनी का,
जैसे कि चल रहा अभी निफ्टी चल रहा है 24,949 पे, निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी चल रहा होगा आपका 850 पे ऐसा कुछ, ये हो गया। तो मैं करता हूं ऑप्शन चेन, इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। एक्सपायरी 24 अक्टूबर की, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 24 अक्टूबर को एक्सपायरी है और आज है संडे और एक्सपायरी को अभी 4 दिन बाकी है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है। ओके भाई, तो 24 अक्टूबर वाले में आ गए। अब मैंने क्या किया, ये सारा इधर अपने पास कॉल साइड का है, कॉल के एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आप ऑप्शन चेन खोल के देखोगे ना, कॉल और पुट आपको दोनों आते हैं, बीच में ये आपका स्ट्राइक प्राइस आता होगा, ये देखो ये स्ट्राइक प्राइस है, ये इधर कॉल का डाटा है और इधर आपका पुट के एलटीपी होंगे, ठीक है ना, पुट के एलटीपी लास्ट ट्रेड प्राइस, ये पुट के प्राइस है, ये कॉल के। अब मेरे को करना क्या, मैंने फ्यूचर को सेल कर रखा है, मतलब अगर मार्केट ऊपर गई तो मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कॉल बाय और कर लूंगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल क्या देगा, प्रॉफिट देगा, फ्यूचर लॉस देगा, बट कॉल तो प्रॉफिट देगा ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा इन द मनी में जाके 222 रुपए का है फिलहाल के लिए, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉल को बाय कर लिया मैंने, ठीक है ना। वैसे ही आपको करना, जैसे फ्यूचर को सेल कर दिया, वॉच लिस्ट में जाके निफ्टी FUT भरोगे ना तो कॉल निफ्टी को सेल कर दिया, अब ऑप्शन चेन में जाके एक कॉल को बाय कर लेना उसी टाइम, दोनों ऑर्डर लगाने में हार्डली 3 से 4 सेकंड लगेंगे, होता है। चलो भाई, मैंने कॉल भी बाय कर लिया उसी टाइम, पहले फ्यूचर को सेल किया, ऑप्शन चेन में मैंने कॉल को सेल बाय कर लिया। अब हुआ क्या, अब होगा जबरदस्त काम, जो यहां पे लॉस दिख रहा था वो खत्म हो गया, बस अब कितना लॉस बचेगा, अगर मार्केट सच में नीचे ना आके, मैंने फ्यूचर सेल कर रखा मतलब मेरा व्यू तो है नीचे, नीचे ना आके ऊपर गई तो मेरे को लॉस हो सकता 582 रुपए का मैक्सिमम। बस देखो, कितनी भी ऊपर चली जाए 585 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, 100-200 रुपए और एक्स्ट्रा मान के चलो, कभी कभार एक्सपायरी में हो जाता है, और इसको जैसे कि थर्सडे को एक्सपायरी है, इसको बना लो किसी भी दिन, जैसे आज संडे है, किसी ने फ्राइडे वाले दिन ये बना ली होगी, आज कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो किसी भी टाइम, बट थर्सडे को मॉर्निंग में अपनी पोजीशन को 10 बजे या 11 बजे काट देना, जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा हो ना उसमें काट देना, एक्सपायरी का 3:30 पे होती है ना, तब तक वेट नहीं करना, काट सकते हो, इसको बना लो किसी भी टाइम, बात समझे कि नहीं, चाहे इसको थर्सडे को बना लेना, फ्राइडे को बना लो, मंडे को बना लेना, ट्यूसडे को बना लेना किसी भी टाइम, बट बेस्ट रहेगा ये, थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है निफ्टी की, तो फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को शाम को 3:25 पे ये अपना ऑर्डर बना के छोड़ दो और जाने दो इसको, रात तक होल्ड रखो इसको, एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे तक मॉर्निंग के 10 से 11 बजे तक होल्ड रखना, उसके बाद दोनों पोजीशन को एक साथ काट दो, कोई दिक्कत नहीं, कितना प्रॉफिट चलोगा। अब काटना कैसे है, अब मान लो कि सच में मार्केट नीचे गिरने लग गई, मार्केट में भाई आ गई 24,300 पे, ठीक है ना, 24,300 पे मार्केट आ गई, अब यहां पे प्रॉफिट कितना दिखेगा अपने को, 10,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो चुका होगा, बात समझे, और क्या चाहिए यार, मात्र यहां से कितना पॉइंट है, 24,300 ही मान लेते हैं, 600-700 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आई तो अपने को 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, और मान लेते हैं और ज्यादा नीचे आ गई, 23,956 पे आ गई, अपना प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपए का, आपको दिखेगा आपका पोर्टफोलियो में पोजीशन में दिखेगा ये चीज, जितना नीचे आती जाएगी मार्केट उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। हाँ, अगर ऊपर गई तो भाई यहाँ पे 585 का लॉस हो, यहाँ पे भी है 24,464 पे, 25,841 पे, 26,218 पे भी, इन सब पे आपको लॉस सिर्फ 585 का ही दिखेगा, या इसको राउंड नंबर कर देता हूँ मैं, 700 रुपए से ज्यादा आपको लॉस दिखेगा ही नहीं, फिक्स हो गया ना। अब सच में बताओ, अब मार्केट है ना नीचे आ रही थी, मैंने ये हैजिंग बना लिया, मार्केट ऊपर चलने लगी, कोई नहीं भाई चली जा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 585 रुपए का लॉस होएगा, कोई नहीं, बताए मेरे को चाहे इतनी ऊपर जा और चाहे इतनी ऊपर जा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर वापिस घूम के फिर से नीचे आने लग गई तो मेरा ये लॉस खत्म हो के फिर से मेरा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो है ना मजेदार। तो इस टाइप से हेजिंग करो, पुट बाय करने की बजाय फ्यूचर को सेल कर दो और एक इन द मनी का कॉल
बाय कर लो, हो गया। ये कॉन्सेप्ट था। तो अपना ना रिस्क मैनेजमेंट इसमें ऑटोमेटिक हो जाता आपको, क्योंकि बहुत सारे भाई गलती क्या करते हैं, वो लॉस तो ले लेंगे भाई 10,000 का भी, 15,000 का भी, 20,000 का भी, प्रॉफिट लेंगे 1,000 का, 1,500 का, 2,000 का, ये प्रॉफिट होता उनका, ये लॉस होता, तो भाई रिस्क मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा। बात समझे कि नहीं? डरेंगे फिर 15,000 के दो तीन बार लॉस ले लिए, डरेंगे प्रॉफिट 2,000 का भी आएगा, सोचेंगे भाई निकल लो अभी के लिए। तो ऐसा नहीं करना, इस टाइप से हेजिंग बना दो और छोड़ दो। और कोई भी डाउट होता, कोई भी क्वेश्चन होता, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बहुत सारे भाइयों के यही कमेंट थे कि कब बनाए, थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है, फ्राइडे को 3:25 पे ये पोजीशन बना लेना। बनानी कैसे है, वॉच लिस्ट में जाना अपना, जिस भी ब्रोकर का आप यूज करते हो उसमें सर्च करना NIFTY निफ्टी FUT फ्यूचर, जो करंट महीना चल रहा, कोई भी जैसे आज अक्टूबर चल रहा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा OCT अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, ये निकल के आएंगे। आपको क्या करना, अक्टूबर वाले को सिलेक्ट करना, इसको सेल कर देना, और फिर इन द मनी में जाना, एक कॉल बाय कर लेना। आप कौन सा कॉल बाय करोगे, जैसे कि मेरे को परफेक्ट ये लगा था, तो मैंने ये बाय कर लिया था 24,750 का कॉल, वो आप इस पे सिलेक्ट कर लेना कौन सा कॉल आपको बाय करना चाहिए, ताकि वो आपको लॉस भी बता दे 24,726 के बाद। ये ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है लक्ष्मण रेखा, यहां से देख रहे हो, यहां से इसके बाद अपना प्रॉफिट स्टार्ट होएगा, जब मार्केट 24,726 पे है, 24,949 पे है, 200 पॉइंट नीचे आ जाएगी। तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 37% है। 50% कब होता, जब बिल्कुल यहीं से प्रॉफिट चालू होता और यहीं से लो स्टार्ट होता, तो उसका प्रोबेबिलिटी 50% होता है। इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, 37%, बट है ना, लॉस तो कम है मेरे भाई। अगर आपको लगता ही है मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो आएगी, लॉस भी तो कम ले रहा हूं मैं, 585 का स्टॉप लॉस, लगाने की भी जरूरत नहीं है। बात समझे? और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगती हो तो लाइक का बटन दबा दिया करो। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आराम से, पूरा देसी भाषा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, राधे राधे।